दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसे कि आप गुलाब का भी प्रूनिंग का समय आ रहा है चालू है तो आप जब भी आपके गुलाब की प्रूनिंग कर सकते हो। तो आपको गुलाब की प्रूनिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहेगा हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो शेयर करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों प्रूनिंग से पहले, प्रूनिंग के बाद आपको क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों का आपको सावधानी बरतनी है, क्या कुछ करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे गुलाब का प्लांट है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा गवत है, मराठी में से गवत कहते हैं, जो एक्स्ट्रा प्लांट होता है उसे हमें हटा लेना है पूरी अच्छे तरीके से, ताकि जो हमारा प्लांट है उसे अच्छे से न्यूट्रिशन और जो बाकी जो बेनिफिट्स रहते हैं मिट्टी से मिलने वाले वो अच्छे से मिलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा क्लीन कर लिया है और ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने दिखा रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको दिखाना चाहता था। अगर ऐसे कुछ है आपके गमले में या प्लांट के इसमें तो आपको इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है, ताकि हमारे जो प्लांट की जो न्यूट्रिशन है वो सब मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रूनिंग अगर आप अच्छे तरीके से, प्रूनिंग का भी एक तरीका होता है दोस्तों, अगर आप अच्छे से प्रूनिंग करोगे तो आपके प्लांट्स को भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी प्रूनिंग की टेक्निक गलत हो जाएगी दोस्तों तो आपका जो रिजल्ट है प्लांट्स का वो अच्छा नहीं मिलेगा, इस वजह से प्रूनिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा से तरीके से करना ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस प्लांट का मैंने प्रूनिंग कर चुका हूँ, और ये जो आप दूसरा प्लांट देख पा रहे हो इसका मैंने प्रूनिंग नहीं किया, ताकि आप भी देख पा रहे होगे दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से फूल खिल चुके हैं इस पे ऊपर। तो दिल नहीं मान रहा था इसका कटिंग करूँ, तो इससे फूल जब तक है तब तक, इसलिए मैंने नहीं किया था। अब बहुत ही जल्द करने वाला हूँ इसकी प्रूनिंग। तो आपको भी अभी करना है प्रूनिंग दोस्तों, प्रूनिंग का अभी सही समय, देख सकते हैं फ्लावर दो कलर भी देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार, मेरा एक फेवरेट कलर है। और ये देख सकते हैं दोस्तों इसकी कली, थोड़ी सी हवा भी बह रही है दोस्तों अच्छे से, तो प्लांट भी आप देख पा रहे हैं झूम रहे हुए खुशी से। तो दोस्तों क्या होता है, इसका शुरुआत में कलर डार्क होता है, जैसे जैसे आपका फूल पुराना होता जाता है थोड़ा सा कलर फेड होता है, लेकिन दिखने में बहुत शानदार होता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप प्रूनिंग करें तो आपको प्रूनिंग से एक हफ्ते से पहले आपको NPK आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसका आपको लेना है, उसे आपको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम NPK लेना है। और साथ ही में दोस्तों आपको 2 ml सीविड बायोविटा का हो या जो भी आपके पास सीविड अवेलेबल हो उसे भी आपको लेना है, और साथ ही में दोस्तों 1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट भी आपको लेना है, और इसे इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके इसे दे देना है आपको आपके प्लांट्स के लिए, ताकि जो प्रूनिंग के पहले जो हमारे प्लांट्स का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आने के लिए हमें करते रहना है दोस्तों। इन तीनों को हफ्ते में 2 बार देना है दोस्तों, जैसे मैंने सभी को बताया, हफ्ते में आप 2 बार देंगे तो आप अच्छे से प्रूनिंग कर पाएंगे, उसके बाद आपको प्रूनिंग करनी है दोस्तों। दोस्तों प्रूनिंग में 2 तरीके होते हैं, एक हार्ड प्रूनिंग और एक लाइट प्रूनिंग। तो ये दोनों प्रूनिंग रहती है, और ये आपको डिपेंड भी करती है आपके प्लांट के ऊपर, आपका प्लांट कैसा है क्या है उस हिसाब से आपको प्रूनिंग करनी है दोस्तों। प्रूनिंग करते समय आपको आपका जो प्रूनर आप यूज़ करने वाले उसे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका प्रूनर है वो है अच्छे से साफ़ किया हो अच्छे से, या तो आप उसे 2 तरीके से साफ़ कर सकते हैं, या तो डेटॉल अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो डेटॉल से आप उसे लगाकर अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में सैनिटाइज़र हो तो उससे आप अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो हमारा गुलाब होता है उसमें फंगस लगने का चांस बहुत ज़्यादा बना रहता है, तो उससे जब भी आप प्रूनिंग करते हो अपने गुलाब की तो उसे अच्छे से प्रूनर को आप अच्छे से सैनिटाइज़र या डेटॉल से अच्छे से साफ़ कर लीजिए, ताकि जो फंगस का खतरा होता है वो हमें यहाँ पे नलीफाई कर सकते हैं या उसका चांस बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है दोस्तों हम प्रूनिंग कर लेते हैं स्टार्ट। तो इस प्रकार आपको प्रूनिंग करना है दोस्तों। और दोस्तों जब भी आप प्रूनिंग करें तो आपको ध्यान रखना है, जो आपकी हेल्दी ब्रांच है उसे आपको अच्छे से रखना है। अगर आप हेल्दी ब्रांच अच्छे रखोगे तो जो आपका फ्लावर है और जो आपका प्लांट है वो भी हेल्दी बना रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है प्रूनिंग करते समय, आपकी जो ब्रांच आप रख रहे हो हेल्दी ब्रांच ही आपको आपके प्लांट्स के ऊपर रखना है दोस्तों, ताकि जो आपका प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। और यहाँ पे हम प्रूनिंग कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो में, और बहुत ही अच्छे तरीके से सावधानी से आपको करना रहता है दोस्तों। सभी को पता है कि गुलाब में कांटे भी रहते हैं, ये तो हमारा, तो ये जो देसी गुलाब का होता है दोस्तों उसमें कांटे भी रहते हैं, तो आपको बहुत सावधानी से करना है, देख के करना है अच्छे से।
ताकि कांटे चुभे ना आपको। और दोस्तों अगर आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपकी जो जो प्लांट्स है उसके अगर ब्रांच कमज़ोर है तो आपको जो फ्लावरिंग आएगी दोस्तों वो अच्छे से नहीं आएगी। फ्लावरिंग जो फ्लावर का साइज़ होता है वो भी बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि आपका जो आपने ब्रांच कमज़ोर रखी है तो आपको भी रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब मिलेगा दोस्तों। तो इस वजह से आपको हेल्दी ब्रांच रखनी है और अच्छे से उसकी ग्रोथ करनी है, तो आपको बहुत ही शानदार और अच्छा रिज़ल्ट मिलता रहेगा दोस्तों। तो प्रूनिंग तो हमारी चालू ही है दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हो। तो इस वजह से आपको सही तरीके से कटिंग प्रूनिंग करनी है दोस्तों, ताकि जो रिज़ल्ट हो आपको अच्छा मिल सके। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी प्रूनिंग अब पूरी तरह से हमने कर ली है प्लांट्स की। तो दोस्तों आपको ये भी देख सकते हैं, इसकी मैंने प्रूनिंग पहले ही कर रखी थी दोस्तों, तो देख पा रहे हैं आप। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फुटाव चालू हो चुका है दोस्तों, देख पा रहे हैं यहाँ पे फिर से नई ब्रांच का शुरू हो चुका है ग्रोथ, यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों आप। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब आपकी प्रूनिंग हो जाए तो उसके बाद आपको फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहना है दोस्तों। क्या होता है, फंगस और पेस्टिसाइड का खतरा बना रहता है गुलाब के ऊपर, तो उस वजह से आपको पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना है। और इसे आपको हफ्ते में दो बार देना है दोस्तों, समझिए दोस्तों। अगर आपने फंगीसाइड का स्प्रे किया है तो फिर आपको उसके बाद पेस्टिसाइड का करते रहना है, और ये अल्टर करते रहना है दोस्तों, फंगीसाइड पेस्टिसाइड। इस प्रकार अगर आप करते रहेंगे तो जो फंगस और पेस्टिसाइड का जो चांस रहता है, हमारे पेस्ट का जो चांस रहता है गुलाब के ऊपर, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और आपकी जो गुलाब का ग्रोथ है वो अच्छे से होगी, और हेल्दी गुलाब का प्लांट आपको मिलेगा, और आपको गुलाब के बहुत सारे फूल भी मिलेंगे दोस्तों। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है, और उसमें आपको NPK 12x7 लेना है दोस्तों। अगर आपके पास NPK 12x7 है तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। अगर दोस्तों आपके पास NPK 12x7 नहीं है तो आप 52x34 या NPK 19x19 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगा कि आप 12x7 का ही इस्तेमाल करें, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों। मैंने खुद इसे ट्राई किया है, तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि NPK 12x7 हो। और जिन दोस्तों के पास नहीं NPK 12x7 वो 19x19 या 52x34 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप सभी के लिए 12x7 बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। और इसी के साथ आपको 1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, और इसे इस मिक्सचर को अच्छे से आपको दे देना है आपके प्लांट्स को। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 1 लीटर पानी में आपको NPK 12x7, 1 ग्राम और 1 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, और इस मिक्सचर को आपको आपके प्लांट्स को दे देना है। और साथ ही में दोस्तों एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जो आपका गुलाब का प्लांट है उसका जो मॉइस्चर है वो बनाए रखना है आपको, ताकि जो उसकी ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके, और हेल्दी आपका प्लांट फिर से एक बार तैयार हो सके, और अच्छे से ब्रांच उसकी हेल्दी बने रहे, और आपको भी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो शेयर करते रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो हमारा, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, गुड बाय।